उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 40 मजदूर पिछले 8 दिनों से हर घंटे हर मिनट जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विदेश से कई मशीनें भी मंगाई गई लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो इन मजदूरों को निकालने के लिए दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन ने शुक्रवार शाम से काम करना बंद कर दिया है। इंदौर से एक नई मशीन लाई गई है जिसे अब सुरंग में के 200 मीटर अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब हॉरिजॉन्टल यानी सामने से ड्रिलिंग के बजाय वर्टिकल यानी ऊपर से छेद किया जाएगा ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके। अब तक टनल के अंदर 70 मीटर में फैले मलबे में 24 मीटर छेद किया जा चुका है, हालांकि ये आधा भी नहीं है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अभी भी कम से कम 4 से 5 दिनों का समय मजदूरों को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करने में लग सकता है। दुर्घटना के 7वें दिन शनिवार 18 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने घटनास्थल का दौरा किया है। बचाव अभियान की रणनीति को लेकर आयोजित एक विशेष बैठक में हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने घोषणा की है कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब 5 मोर्चों पर चलेगा। लेकिन इधर रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी की वजह से मजदूरों के परिजनों और साथ काम करने वाले कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। बीबीसी की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक टनल बनाने के प्रोजेक्ट में लोडर और ऑपरेटर का काम करने वाले मृत्युंजय कुमार कहते हैं, हम लोग भी अंदर फंसे मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, वो स्वस्थ हैं लेकिन अब उनका हौसला धीरे धीरे टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि सूखा खाना खाकर कितने दिन जी पाएंगे। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम लोग उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं या उन्हें झूठा दिलासा दे रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।